नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय सुबह 6:30 बजे का टाइम है। हम लोग एकलिंग जी मंदिर के बाहर खड़े हैं। यहां पर हम सुबह 5:30 बजे आ गए थे। हमें इन्फॉर्मेशन थी कि टेंपल 6 बजे क्लोज हो जाएगा, तो आप 6 से पहले पहुंचिए, तो हम 5:30 आ गए। हमने भगवान शिव के दर्शन करे। ये जो मंदिर है ना, ये बहुत प्राचीन है। 734 AD में इसका निर्माण हुआ। 1300-1400 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं। जब आप अंदर दर्शन करने जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं यहाँ पर शिवलिंग के साइड में 4 फेसेस हैं, जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये चारों के शिवलिंग के चारों साइड पे दर्शन है। ये शायद एक कारण है जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम एकलिंग जी है। बप्पा रावल जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, उनका दूसरा नाम काल भोज था। उनके समय मेवाड़ की जो सीमाएँ थी वो बहुत दूर तक चली गई थी, तो ऐसा कहते हैं वो अफगानिस्तान तक चले गए थे, और रिटर्न में आते समय जगह जगह उन्होंने चौकियाँ अपनी बनवाई। रावलपिंडी पाकिस्तान में जो जगह है वो उन्हीं की एक चौकी एक ज़माने में थी। ऐसा कहते हैं एकलिंग जी मेवाड़ के राजा हैं, और जो महाराणा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं वो सब उनके दीवान हैं। आज भी सब ऐसा ही मानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टेम्पल टाइमिंग सुबह 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक रहते हैं, उसके बाद 10:30 से 1:30 और शाम को 5:30 से 8 बजे तक के। सर्दी गर्मी में थोड़ा 15 मिनट का फर्क पड़ता है, अदरवाइज टेंपल टाइमिंग्स मैंने आपके साथ शेयर करें। इस समय देखिए टेंपल खुला हुआ है, लेकिन और 5-7 मिनट में क्लोज हो जाएगा। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम मंदिर आपको अंदर से नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसे आप अंदर जाएंगे भगवान शिव के तो आप दर्शन करेंगे। साथ ही में आप बप्पा रावल की एक मूर्ति भी देखेंगे, वो सामने खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो बेसिकली हरित ऋषि का ऊपर एक विमान है जिसपे वो बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शाया गया है कि ऊपर से देख रहे हैं। और एक कथा ये भी है कि हरित ऋषि ने अपने मुंह से कुछ फेंका और कहते हैं कि वो बप्पा रावल की टांग पे आके गिरा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके सिर पे आके गिर जाता तो आप बन जाते चक्रवर्ती सम्राट। अब टांग पे गिरा तो अपने राज्य का जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपका राज्य का विस्तार होगा। तो जितनी जानकारी मेरे पास इस टेम्पल के बारे में थी मैंने आपके साथ शेयर करी। अब हम यहाँ से नाथद्वारा जाने को निकल रहे हैं। नाथद्वारा यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और अभी सुबह 6:30 बजे का टाइम है। मॉर्निंग में जब हम यहाँ पर आए थे तो सारी शॉप्स क्लोज थी, अंधेरा था। अभी भी देखिए नज़दीक में कोई भी शॉप नहीं खुली हुई है। तो हम नाथद्वारा को चलते हैं और वहाँ पहुँच के आपको ज्वाइन करेंगे। एकलिंग जी से लगभग 2 किलोमीटर का सफर करके अभी हम सहस्त्र बाहु मंदिर आए हैं। बाहर मैंने पढ़ा, नाम लिखा था सास बहु मंदिर, ऐसा बोलने में बोल देते हैं, लेकिन सही नाम सहस्त्र बाहु मंदिर है। एक समय था जब यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी, ये भगवान विष्णु का ही टेंपल था। अब यहाँ मूर्ति कब से नहीं है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आज की तारीख में किसी भी टेंपल के अंदर मूर्ति नहीं है। 2 बड़े मंदिर हैं यहाँ पर। स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे देवी देवताओं के, ये बहुत प्राचीन है। जैसे आप इनको देख के अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो कि ये कितने प्राचीन है, और वैसे ये टेंपल 11th सेंचुरी का टेंपल है। अति सुंदर कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो समय के साथ गिर चुके हैं, किसी समय यहाँ पर भी टेंपल रहे होंगे। जब आप एकलिंग जी आएंगे तो आप यहाँ पर भी जरूर आइएगा, कुछ समय यहाँ बिताइए, थोड़ी फोटोग्राफी करिए और एंशियंट आर्ट को नज़दीक से देखिए। अब हम यहाँ से नाथद्वारा के लिए निकल रहे हैं। हम लोग नाथद्वारा पहुंच चुके हैं। इस समय 9:10 का टाइम है। टेंपल की तरफ वॉक करते हुए चलेंगे और वहां पहुंच के मैं पता लगाऊंगा दर्शन के टाइमिंग्स क्या है। अभी हम दिल्ली बाज़ार मार्केट चौपाटी के पास ही हैं। यहाँ पर हम ना मूंग दाल का वड़ा खाने वाले हैं,
स्वास्तिक इनके शॉप का नाम है। हमें भैया आप 100 ग्राम बड़ा दे दीजिए। लो जी, मूंग दाल बड़ा रेडी है, साथ में मैंने 2-3 पीस ना खस्ता ले लिया, देखो गरम गरम बना। कमाल का स्वाद है, बेहतरीन। मूंग दाल को दरदरी लेवल पे पीसा गया है, मेथी और हींग का बड़ा मधुर सा फ्लेवर है, ओवरऑल गुड टेस्ट। अभी मेरा मन है इसके बाद ना मैं दूध जलेबी लूँ। यहाँ पर ना वो सामने शॉप है ना दूध जलेबी की, वो फेमस है, पुरुषोत्तम नाम है ना, तो वहाँ चलकर हम दूध जलेबी लेने वाले हैं। 110 साल। लो जी, हम पहुंच गए हैं पुरुषोत्तम भाई दूध जलेबी वाले। आप हमें 1 ग्लास तो दूध दे दीजिए, थोड़ी हमें जलेबी साथ दीजिएगा। और दूध और जलेबी पूरा दिन मिलती है? नहीं, 12 बजे तक। तो ये सुबह ऐसे ही दूध काटते रहते हैं आप लोग? तो बनेगा मालपुआ, बनेगा ना मालपुआ। अच्छा, समझ गए। देखिए, इसको बोलते हैं रबड़ी का मालपुआ। जैसे जलेबी को घी में बनाया जाता है ना, सेम तरीके से रबड़ी को एक घी में सेका जाता है और उसके बाद उसको चाशनी में डिप कर देते हैं, इसके लिए इसका नाम है रबड़ी का मालपुआ। ये टेस्ट करोगे ना, यहाँ भी आपने खाया है, वहाँ भूल जाओगे टेस्ट, ये याद करोगे हमें मालपुआ। फिर एक काम करिए, दूध से पहले आप हमें 1 पीस रबड़ी का मालपुआ दे दो, एक सिंगल पीस। अभी हम यहाँ पर मूंग दाल वड़ा खा रहे थे, उन्होंने बताया कि ये 110 साल पुरानी दुकान है। 120 साल पुरानी दुकान है, ये कह रहे हैं 5वीं पीढ़ी आज दुकान चला रही है, रबड़ी का मालपुआ। ये चीज़ ना बस यहाँ देखी हमने और चित्तौड़गढ़ में देखी है, उदयपुर में तो नहीं है। कमाल हो गया। प्योर रबड़ी का स्वाद है और साथ में चाशनी का स्वाद है और बहुत सॉफ्ट है। भैया बता रहे हैं ये लोग मैदा नहीं डालते, जबकि कुछ लोग इसको मैदे के साथ भी बनाते हैं, तो आप लोग इसको जोड़ते कैसे? मतलब एक जगह सिंगाड़े वाला अरारोट डालते हैं। सिंगाड़े वाला अरारोट, अब बिना उसके तो फैल जाएगा ना? फैलेगा ना, दूध देखो। सही है, कम से कम 3-4 घंटे लगता है उबलने में। तो अभी ये 3-4 घंटे जब आप उबाल लोगे तो इसकी बन जाएगी रबड़ी। हाँ। और रबड़ी से बन जाएगा रबड़ी का मालपुआ। ठंडा करेंगे, फिर इसके बीच में डालेंगे अरारोट, तवा खीर जिसको बोलते हैं, उससे क्या वो व्रत में काम आता है। समझे बात। अति सुंदर, ये भी देखो एक स्वाद है जो आप इंजॉय कर सकते हो, बहुत बढ़िया। भैया हमारे को दूध और जलेबी थोड़ा सा दे दीजिए। अच्छा, जलेबी तो तैयार हो रही है, दूध तो हाथ के हाथ मिल जाएगा। दूध में चीनी हल्की रखना, ऑलरेडी शुगर वो तो गई है। दूध के अंदर डाल दो। अच्छा, बड़े समय के बाद मैं इतना प्योर दूध पी रहा हूँ और वो भी इस प्रकार से काढ़ के। कि कितनी देर से आप ये दूध को उबाल रहे हैं? 2 घंटा हो गया ना, पूरा टेस्ट ही चेंज हो गया, गाढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा। दूध में प्योरिटी है, स्वाद फुल ऑन है। अब भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आप क्या करो, जलेबी को अंदर डाल दो और जब दूध ख़त्म हो जाएगा ना तो लास्ट में जलेबी खाना, आपको बहुत स्वाद आएगा। मज़ा आ गया, बेहतरीन। ये है, यहाँ पर दूध जलेबी 12 बजे तक मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। हम लोग एकदम टाइम पे ही आए हैं, थोड़ा लेट हो जाते तो मिस हो जाता। जलेबी का तो स्वाद ही बदल गया गर्म दूध में, और वो भी ऐसा दूध जो अच्छी क्वालिटी का है, इस तरह से काढ़ा गया, बेहतरीन कॉम्बिनेशन और मज़ेदार स्वाद। ठाकुर जी के दर्शन करके इस समय मैं भवन के बाहर की तरफ आ चुका हूँ। जब हम यहाँ पर आए थे ना
तो हम इधर से लाइन में लगे थे, आपको दिख रहा सामने, तो आधे घंटे के आसपास की वेटिंग थी। फिर यहाँ से हम अंदर गए, सामने दरवाजे से अंदर हमने ठाकुर जी के बाल रूप में दर्शन करे। मथुरा जब हम गए थे वहाँ पर भी हमने ठाकुर जी के बाल रूप में ही दर्शन करे थे। इस स्थान की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर मुझे यात्रियों ने बताया कि वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आए हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक जितने भी दर्शन हो रहे हैं हर बार आते हैं और ठाकुर जी के रूप को निहारते हैं। सामने देखिए वाइट बोर्ड लगा है ना, उसमें टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, मंगला श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, ये टाइमिंग्स क्या हैं, जैसे सुबह 6:15 से लेकर शाम को 5:15 तक, कभी 20 मिनट के लिए टेम्पल ओपन होता है, कभी 1 घंटे के लिए, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अभी देखिए जैसे टेम्पल अभी क्लोज हो गया तो अब यात्री यहाँ से चले गए हैं, ये जगह एकदम खाली हो गई है। 15 मिनट या 10 मिनट पहले आप देखते तो ये पूरा भरा हुआ था। आज से लगभग 350 साल पहले जिन दिनों में औरंगजेब का मथुरा वृंदावन के मंदिरों पे अटैक हो रहा था उस समय ठाकुर जी को वहाँ से लेकर उदयपुर घसियार होते हुए यहाँ लाया गया था, क्योंकि यहाँ के जो महाराणा रहे हैं मेवाड़ के वो किसी के भी अधीन नहीं रहे। तो उन दिनों मुगलों का अटैक होता था तो मेवाड़ एक तरह से सेफ जगह थी जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा की जा सके। ठाकुर जी की जहाँ पर ध्वजा है, मैं गर्भगृह के ऊपर की बात कर रहा हूँ, वो केलू से बनी हुई है, मतलब मिट्टी से बनी हुई है, वहाँ पर ऊपर पक्की छत नहीं है, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। तो अच्छा रहा हम यहाँ पर आए और हमने बहुत बढ़िया ठाकुर जी के दर्शन करे। अब हम यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। मार्केट घूमते हुए हमारी भैया से मुलाकात हुई है, ये ठंडाई बना रहे हैं, बादाम, पिस्ता, इलायची, काजू, सौंफ, काली मिर्च, इसमें गुलगंध भी डालते हैं। हाँ, गुलगंध। और ये सारी चीज़ें मिक्स करके दूध में ऐड करके ये ठंडाई रेडी कर रहे हैं। ये कौन सा ब्रिजवासी गुलकंद? अच्छा, सही है। तो ये एक गिलास ठंडाई कितने का है? 40 रुपए का। मैंने तो अभी गर्म दूध पी लिया है तो मैं ठंडाई अभी नहीं पी रहा, अगर मैंने दूध नहीं पिया होता तो मैं पक्का एक गिलास ले लेता। तो आप पूरा दिन रहते हैं यहाँ पे? सुबह 7 बजे रात को 11 बजे तक, पूरा दिन। अच्छा, सही है, बड़ी शिद्दत से बना रहे हो। अति उत्तम, अति उत्तम, चलो सही है। आगे हम बाजार घूमने चलते हैं और उसके बाद हम यहाँ से हल्दी घाटी जाने वाले हैं। नाथद्वारा टेम्पल से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लॉर्ड शिवा का देखिए कितना ऊंचा स्टैचू है। हम इसी को देखने के लिए अभी यहाँ पर आए हैं। इस कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन नहीं हुआ, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ एंट्री जाती है ना वहाँ से हम लोग नहीं गए, हम बगल के ग्राउंड से खड़े होकर आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। मैं कहीं पर पढ़ रहा था जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसके बारे में हम जानते ही हैं, और ये सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू है, 350 फीट इसकी हाइट है। सो ब्यूटिफुल। 5-7 मिनट यहाँ पे रुकेंगे हम, उसके बाद यहाँ से हम हल्दी घाटी जाएंगे। 20 से 25 मिनट में हल्दी घाटी पहुँच जाएंगे। हल्दी घाटी हम पहुँच चुके हैं, सोचा म्यूजियम जाने से पहले लंच कर लेते हैं। यहाँ पर ना हल्दी घाटी म्यूजियम के साथ ही चेतक रेस्टोरेंट है। हमने यहाँ पे राजस्थानी थाली ली है, सेव टमाटर की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, कड़ी, पुलाव और साथ में चपाती। इस थाली की कॉस्ट 210 रुपया, लिमिटेड क्वांटिटी थाली है। गट्टे की सब्ज़ी का स्वाद तो अच्छा है लेकिन तेल काफ़ी ज़्यादा है आजकल ना, मेरे को तेल भी बहुत भारी जो रहा है। मसालेदार सब्ज़ी है, बड़ी मस्त सब्जी बनाई है। राजस्थान में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 3 चीज़ आप मिस नहीं कर सकते, कड़ी, गट्टे की सब्ज़ी और सेव टमाटर की सब्ज़ी। ये तो आपको मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स में खाने को मिलेगी, मैक्सिमम मतलब जो राजस्थानी फूड सर्व करते हैं एटलीस्ट वहाँ पे। टेक्सचर से लग रहा है टेस्ट बढ़िया होगा और खाने में स्वाद है। कड़ी
ठीक है, मतलब जैसे पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी जगह कड़ी खाई है ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ी बढ़ चुकी है, और राजस्थानी कड़ी ना मुझे पसंद आने लगी है। डिसेंट टेस्ट है, नीदर गुड नॉट बैड, एवरेज, ओवरऑल साफ सुथरी जगह है। लंच फिनिश करने के बाद हम नज़दीक में म्यूजियम विजिट करने जाएंगे, म्यूजियम यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। हल्दीघाटी म्यूजियम के अंदर जाने के लिए ना 120 रुपये पर पर्सन टिकट है। म्यूजियम एंटर करते ही कुछ स्टैचूज दिखाई देते हैं, आप यहाँ से देखना शुरू करिए। हाथी के ऊपर मानसिंह है जो जयपुर आमेर के राजा, साथ में सामने आप महाराणा प्रताप को घोड़े पे देख रहे हैं। ये जो हाथी जिसमें मानसिंह थे उसकी सूंड पे तलवार थी, इसकी वजह से चेतक घोड़े की एक टांग कट गई थी। महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं और इन्होंने भाला चलाया, मानसिंह वहाँ से झुके और भाला क्रॉस कर गया। ये हल्दीघाटी के युद्ध में इस प्रकार से हुआ था। इधर से आप भामाशाह को देखिए, झाला मन्ना को देखिए, झाला मन्ना का फेस महाराणा प्रताप के फेस से सिमिलर था। हल्दीघाटी के युद्ध में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसे मुकुट पहन लिया था और महाराणा प्रताप बन के लड़े थे मैदान में। यहाँ पर आप भीलों के सरदार को देख रहे हैं राणा पुंजा, महाराणा प्रताप चेतक पे, और यहाँ पर हकीम खां सूरी। आइए यहाँ से हम म्यूजियम के अंदर चलेंगे। इस गैलरी में सर ये है कि आपको आर्मरी गैलरी बोलते हैं इसको सर, इसमें महाराणा प्रताप के छोटे छोटे पिक्चर्स भी बहुत सारे आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा अंदर मूवी रहेगा 10 मिनट का, आधे घंटे का लाइट एंड साउंड शो रहेगा, और ये पूरा विजिट 45 मिनट्स में कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे ना? आइए यहाँ से। कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल से 140 किलोमीटर दूरी पर है। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के कारण। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। आधे घंटे के शो को देखकर ना हमको महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बहुत कुछ मालूम चला। हल्दीघाटी का युद्ध जिसके बारे में स्कूल से ही पढ़ाया जाता है, ये एक दिन का युद्ध था। महाराणा प्रताप की जो सेना का काउंट था वो लगभग 10 से 12,000 था और अकबर की सेना का जो काउंट था वो अंदाज में 40,000 था, यानी 1:4 की ये फाइट थी। शाम के समय कोई भी सेना इस युद्ध को जीत नहीं सकी और ये युद्ध समाप्त हो गया। ऐसा कहते हैं इस युद्ध में मुगल और महाराणा प्रताप की सेना मिलाकर 12,000 सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया कि जब तक अपने देश को, मतलब मेवाड़ को, मैं मुगलों से आज़ाद नहीं करवा लेता तब तक मैं महलों में नहीं रहूँगा, जंगलों में रहूँगा और जंगल का जो भी भोजन मिलेगा मैं वही खाऊँगा। उन्होंने राजसी ठाठ बाट पूरी तरह से छोड़ दी है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो आपको महाराणा प्रताप की हिस्ट्री के बारे में तो पता चलेगा, साथ में आप फिजिकली जाके भी चेतक समाधि विजिट कर सकते हैं, हल्दीघाटी का मैदान देख सकते हैं, रक्त तलई करके जगह है जहाँ पर ये बैटल हुई थी, हमने बताया ना 12,000 सैनिक मारे गए थे, वो सब ये सब जगहें यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हैं। अब हमारा प्लान यही है कि हम इन पॉइंट्स पे भी जाएंगे, महाराणा प्रताप की गुफा भी देखेंगे। यहाँ से जाने से पहले मोहन जी से मिल लेते हैं जिन्होंने ये पूरा म्यूज़ियम अपने फंड से तैयार किया और आज सब आते हैं इस म्यूज़ियम की तारीफ़ करते हैं। अभी भी हमने टूरिस्ट को ये बात बोलते हुए सुना कि म्यूज़ियम देखकर सबको अच्छा लगा। मैं पता लगाता हूँ अगर वो ऑफिस में, तो उनसे मिल लेते हैं।
हमारे साथ इस समय मोहन जी हैं, जिन्होंने इस म्यूजियम को आज से लगभग कितना 20 साल पहले बनाया। नमस्कार। एक चीज बताइए, जैसे म्यूजियम तो आप 20 साल से रन कर रहे हैं, तो उससे पहले आप क्या करते थे? ये टीचर था। अच्छा। और टीचर से VRS लेकर के फिर इस मिशन में लगा मैं। फिर हल्दी घाटी लोग आते थे या कुछ ऐसा कुछ जानकारी के लिए कुछ जगह थी नहीं, तो हमारे एक आइडिया आया कि म्यूजियम बनाना चाहिए जिससे पूरा मेवाड़ की जो हिस्ट्री है गौरवशाली वो लोग समझ सके और उसको ऑडियो विजुअली समझ सके। इसलिए हमने थोड़ा ऑडियो विजुअली म्यूजियम बनाया है जिसमें लाइट एंड साउंड शो भी है, फिल्म भी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये भी देखिए सोचने की बात है, अगर मान लीजिए आज की तारीख में कोई जाके बोले रक्त तलई है या ये हल्दी घाटी का मैदान है या ये दर्रा है, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल पानी बह रहा है तो दर्रा नहीं समझ आएगा उसकी रेलेवेंस क्या है। लेकिन ये करने से होने से क्या, अब आप कोई फील्ड में जाएगा तो समझ आएगा कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। 5 किलोमीटर जो युद्ध हुआ है उसकी पूरी जानकारी यहाँ इनको मिल जाती है, फिर जगह पर जाके देखते हैं तो उनको एक फीलिंग आती है कि हम फला जगह खड़े हैं, रिलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे महाराणा प्रताप का भी स्टैचू है इधर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी का भी स्टैचू है। शिवाजी जी, तो इनका कुछ रिलेशनशिप भी था? हाँ, ये दोनों सिसोदिया सूर्यवंशी थे, एक ही ब्लड था दोनों का। अच्छा जी, तो सूर्यवंशी डायनेस्टी को ही बिलोंग करते हैं। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत बढ़िया। शाम को 7 बजे तक म्यूजियम ओपन है, ये तो मालूम चल गया। सुबह किस समय ओपन होता है? 7 to 7। सुबह 7 से शाम को 7। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए, म्यूजियम से जैसे ही आप बाहर आते हैं ना, तो वहाँ ऊपर प्रताप स्मारक है, हम लोग वहाँ जाएंगे। थोड़ा सा अपहिल ट्रैवल करके हम पहाड़ के ऊपर तक आ गए हैं। वैसे तो पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 15-1 मिनट का टाइम लग जाएगा पहुंचने में, हम गाड़ी पे आ गए। जब मैं सिटी पैलेस म्यूजियम गया था ना, तो वहाँ पर मैंने पढ़ा था महाराणा प्रताप बख्तर तलवार और भाला जो लेके चलते थे ना, उसका कंबाइंड वेट 35 किलो था, ऐसा मैंने वहाँ पर पढ़ा था। जब मैं लोकल लोगों से बात करता हूँ तो वो हमें बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप का जो भाला था ना, वो 1.25 मन का था। तो अगर उसके हिसाब से बात करेंगे तो नाना करते भी 80-90 किलो 100 किलो का वो वजन साथ लेके चलते थे, ऐसा मैं समझ आता है। ये स्मारक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, ऊपर होने से क्या है, आप चारों दिशाओं में देख सकते हो। कुछ देर पहले मैंने वहाँ से व्यू देखा, पूरी अरावली हिल रेंज दिख रही थी, अब चाहो तो इधर देख लो, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। और म्यूजियम के इतने पास है कि कोई भी वॉकिंग भी आ सकता है, वो देखो लोग पैदल चल के आ रहे हैं ना। म्यूजियम से 2 मिनट के रास्ते पे चेतक समाधि है यहाँ पर। चेतक को ना स्वामी भक्त बोलते हैं, एक टांग कटने के बाद 3 टांग पे चेतक महाराणा प्रताप को लेके भागा और भागते भागते एक 22 फीट चौड़ा पानी का दर्रा पार किया छलांग मार के, और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि उस समय बहुत डिफिकल्ट हो गया था चेतक के लिए महाराणा प्रताप को आगे लेके जाना, और धीरे धीरे चलते चलते इस स्थान पे आके चेतक ने दम तोड़ दिया। यहाँ पर चेतक की समाधि बनी हुई है और सामने आप छतरी देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक ने अपनी आखिरी सांसें ली और यहां पर चेतक को दफनाया गया। हम देखिए प्रताप गुफा तक पहुंच गए हैं। भैया आप इधर के रहने वाले हो, थोड़ा सा हमें इस गुफा के बारे में बता दीजिए। यहाँ महाराणा प्रताप बैठ के सैनिकों के साथ में अपने मंत्रणा करते थे, गुप्त मीटिंग होती थी, जो अपना अंदर एक गुफा बनी हुई, लोग बोलते हैं ये 100 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ जाती है, कभी हम तो गए नहीं है, लेकिन क्या वो सब जानवर का खतरे से उसकी बंद रखी गई है। और यही वो मंदिर है जो महाराणा प्रताप बैठ के यहाँ पूजा पाठ करते थे, अंदर एक शिवलिंग है पुराना। एक किलोमीटर का और सफर करके अभी हम हल्दी घाटी दर्रा विजिट करने के लिए आए हुए हैं। देखिए ये घाट सेक्शन है, और घाट सेक्शन की आप शेप देखिए कैसी है। इसका नाम हल्दी घाटी क्यों है, क्योंकि हल्दी का जैसा पीला रंग होता है ना, तो इस घाटी का रंग नेचुरली येलो है,
इस कारण की वजह से जगह का नाम हल्दी घाटी है। जब मुगल सेना हल्दी घाटी की तरफ बढ़ रही थी आक्रमण करने के लिए, तो महाराणा प्रताप की यह स्ट्रैटेजी थी कि इस दर्रे में लाकर उनको फंसाया जाए। अब ये स्ट्रैटेजी क्यों थी, क्योंकि नीचे की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ खुला मैदान है शाही बाग, जहाँ पर मुगल सेना ने डेरा डाला और हजारों की तादाद में मुगल सेना के लोग थे। हजारों के मतलब है 40,000-50,000 सैनिक थे। अब सोचिए 40,000 सैनिकों की मुगल फौज जब यहाँ से हल्दी घाटी की तरफ बढ़ रही थी, तो उस समय महाराणा प्रताप के सैनिक पहाड़ के ऊपर खड़े थे, यहाँ पूरे एरिया में, इधर भी और इस तरफ भी। ऊपर से उन्होंने पत्थर, तीर, भाले से मुगल सेना के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि घाट सेक्शन छोटा है तो हड़बड़ाहट होगी सैनिकों के बीच में कि पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, तीर कहाँ से आ रहे हैं। और इतनी बड़ी फौज थी कि वो लोग घबरा गए और घबराकर पूरे सैनिक पीछे की तरफ भागे। तो मतलब समझ लीजिए कि युद्ध शुरू होने से पहले ही मुगलई फौज को यहाँ से पीछे की ओर खदेड़ दिया गया। शाही बाग में वो लोगों ने डेरा डाला था और जब पीछे की तरफ गए तो रक्त तलाई तक चले गए, और उसके बाद रक्त तलाई पहुँच कर मुगल सेना का महाराणा प्रताप की सेना के साथ युद्ध हुआ। अभी हम वहां पर जाएंगे और आपको वो जगह दिखाएंगे। अभी तो देखो ये जगह बहुत ज्यादा बदल सी गई है। अगर हम उस समय में चले जाएं जब ये युद्ध हो रहा था, मैं आपसे 1572 की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था। तो मुगल सेना ने ये बहुत बड़े एरिया में अपना डेरा डाल लिया था। सोचो ना, 40,000 सैनिक अगर कहीं पर डेरा डाल के बैठे हैं तो जगह कितनी बड़ी होगी। अब तो क्या है, थोड़ा टूरिस्ट को दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने ये जगह बना दिया, अदरवाइज उस समय तो ये जगह बहुत बड़ी रही होगी, बादशाही बाग। 5-7 मिनट हम यहाँ पर रुकेंगे, फिर हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर हल्दी घाटी का एक्चुअल युद्ध हुआ था। उस जगह को रक्तलई कह के बुलाया जाता है। हमने 2 किलोमीटर का और सफ़र किया और हम अपने आज के हल्दी घाटी के लास्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। इसका नाम है रक्त तलाई। यहाँ से अंदर जाएंगे। 18 जून 1576 को ठीक इसी जगह मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना में उस समय 10,000 सैनिक थे और मुगल सेना में लगभग 40,000-42,000 सैनिक थे। तो सोचिए 1:4 की रेशो के बाद भी युद्ध इक्वल लेवल पे रहा, कोई भी सेना जीत नहीं सकी। अब क्योंकि ये जगह को देखो टूरिस्ट को दिखाने के लिए गार्डन सा बना दिया गया है, लेकिन आई एम श्योर 1576 की हम बात करें उस समय ना यहाँ गार्डन रहा होगा, जंगल एरिया रहा होगा, बट कुछ खुला एरिया होगा तभी यहाँ पर युद्ध हुआ। इतना डेंस ट्रीज नहीं रहते होंगे ऐसा मेरा गेस है। सही है, थोड़ा सा हम टहल कर आगे तक चले जाते हैं और वहाँ देख लेते हैं उस तरफ, वहाँ पर कॉर्नर में क्या है। और इस समय देखिए 6:15 बजे का टाइम है, हमको यहाँ से कुंभलगढ़ जाना है। तो मैं गूगल मैप्स में चेक भी कर लूँगा कितना टाइम लगेगा, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि भी रोड बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको हो सकता है 2-2.5 घंटे का टाइम लग जाए कुंभलगढ़ पहुँचने में। देखिए सामने आप जो छतरी देख रहे हैं ना, ये उन लोगों की याद में बनाई गई जो हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद हुए, ये छतरी है। अब हम यहाँ से निकलते हैं कुंभलगढ़ जाने को, और नेचुरल है जब आप उदयपुर आएंगे तो आप हल्दी घाटी आएंगे तो आप इन सारे पॉइंट्स पे ज़रूर विज़िट करिएगा। आपको भी यहाँ पर आके हिस्ट्री को नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा और महसूस करने का मौका मिलेगा। जो आपने बुक्स में पढ़ा है वो ये जगह है। इस समय हम कुंभलगढ़ में हैं, हम लगभग 7:15 बजे निकले हैं हल्दी घाटी से, 2.25 घंटे हमें लगे यहाँ पहुँचने में। हमने थोड़ा लॉन्ग रूट लिया क्योंकि लॉन्ग रूट वाली रोड अच्छी थी। आज से लगभग 13-14 साल पहले मैं कुंभलगढ़ आया था वाइफ के साथ। उस समय यहाँ पर ना 7 या 8 रिजॉर्ट होते होंगे और 2 या 3 होटल, मतलब नॉट मोर देन 15 प्रॉपर्टीज़। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, और आज की तारीख में नाना करते हुए 100-125 से ज़्यादा तो रिजॉर्ट और होटल ज़रूर होंगे यहाँ पे। पिछले 6 किलोमीटर से हम देखते आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। हमने यहाँ पर रहने की जो एकोमोडेशन ली है टाइगर वैली रिजॉर्ट में लिया है, डबल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ है 2,000 रुपीज़ विदाउट मील्स, नो ब्रेकफास्ट नो डिनर। कल का हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा रहेगा कि हाफ डे हम कुंभलगढ़ में बिताएंगे, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। सेकंड हाफ के लिए थोड़ा डबल माइंड हो रहा हूँ कि क्या हम रनकपुर जाके वापस आ जाएं, ये ठीक रहेगा, या रनकपुर हम
एक दिन छोड़ कर जाएं, फिर वहीं से हम लोग माउंट आबू निकल जाएं, वो मैं कल मॉर्निंग में डिसाइड करूंगा। राइट, आज का एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा, हमारे लिए काफ़ी हैक्टिक दिन था। सोचो ना, सुबह 4:45 के उठे हुए और इस समय रात के 4:45 का टाइम है, और बाय द टाइम डेटा कॉपी डिनर ये सब करके सोने का टाइम आएगा तो रात का 1:30 तो बज ही जाएगा। एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा, हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। ये फोर्ट जो आप देख रहे हैं ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। इंडिया की लॉन्गेस्ट वॉल और दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद वो यही दीवार है। चौड़ाई देखो कितनी है, हम लोग पीछे बात किया ना 15 फीट लंबी है, तो 4 घुड़सवार इस तरह से चलते चलते आगे चले जाते थे। तो अभी भी अगर कोई पैदल जाना चाहे तो क्या ये पूरा राउंड कर सकता है? बिल्कुल, पूरी की पूरी वॉल आज भी इंटैक्ट है, जो कि ये जो वॉल जो स्टार्ट होती है वो उस सिरे से स्टार्ट होती है जो कि आपको वो गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ से वो स्टार्ट होते हैं और यहाँ से होते हुए उन पहाड़ों के बैक साइड में होते हुए और वहाँ पे उधर देखेंगे आप सूर्य टेम्पल। उस सूर्य टेम्पल से बैक साइड में होते हुए फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है।